कवि गलत जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंब्य लंबितां भुज। वेलकम अगेन। इस वीडियो के अंदर आज मैं थोड़ा सा हटके आपके लिए ये वीडियो बना के लेके आया हूं, और इस वीडियो के अंदर ये मत सोचिएगा कि आप लोगों के लिए नहीं है, जो भी देख रहे हैं, जो अभी देखते हैं मेरा चैनल, ये नहीं है कि एग्जाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगली बार बोर्ड एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि खास तौर पे जो 10th क्लास के बच्चे अभी जो पास करके 11th में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आमतौर पे ज्यादातर जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे, इवन टीचर ऑल्सो डोंट नो अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। दे थिंक दैट बोर्ड एग्जाम धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, और खास तौर पे 10th क्लास का बोर्ड तो लगभग रिमूव मान के चल रहे हैं सारे लोग। तो यही एक क्वेश्चन है, क्या बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए, आगे से बोर्ड 2024 के बाद में नहीं होंगे? व्हाट न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज सेइंग अबाउट दिस क्वेश्चन, दैट इज द टॉपिक ऑफ द टुडे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड ताकि मैं आगे अच्छे से अच्छे इसी तरह की जानकारियां आपके लिए ला सकूं। थैंक यू सो मच। तो आज मैं बताने जा रहा हूं, क्या 2024 के बाद में 10th 12th क्लास के ICSE और CBSE बोर्ड के और बाकी स्टेट बोर्ड के बोर्ड खत्म हो जाएंगे, बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, क्या ऐसा है? यही चीज बार बार लोग आपस के अंदर पूछ रहे हैं, और इवन जहां पे एग्जाम सेंटर जो थे या करेक्शन सेंटर जो थे, वहां पे भी टीचरों की आपस में बात यही होती थी। इवन एक्सपीरियंस टीचर ऑल्सो आस्किंग दीज क्वेश्चन टू ईच अदर। तो दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग फैक्टर अबाउट द इन द एजुकेशन सिस्टम। तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक्चुअल में इस बारे में है क्या। अब तक किसी ने भी अच्छे से ये पॉलिसी पढ़ी नहीं है, जो 66 पेज का एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन हम लोग बिना पढ़े उसके बारे में बातें करते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली किसी ने नहीं पढ़ी। बट आई हैव स्टडी, आई हैव रीड दैट पॉलिसी फुली, और मैं उसी के बारे में आपको एग्जाम्पल देके और आपका उसका कोट दे करके दिखाऊंगा, उसमें एक्चुअल में बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्या लिखा हुआ है। तो यू कैन सी दिस वीडियो आई एम शोइंग यू, उस पॉलिसी का आपको एक, ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर, तो ये जो है वो उसी एग्जामिनेशन पॉलिसी का एक पार्ट है, पैरा 337। तो जिसके अंदर आपको पूरा लिखा हुआ मिलेगा, आप देखिए ऊपर कोने के ऊपर, तो ये पूरा लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बोर्ड एग्जामिनेशन विल कंटिन्यू, आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, और यही जो पंच लाइन है वो आप सोच लीजिए, बोर्ड एग्जामिनेशन का बंद करने के इस पॉलिसी में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है वो ये है कि बोर्ड एग्जाम के नाम से जो कोचिंग मंडियां पनप रही हैं, उनको धीरे धीरे कोशिश करी जा रही है वो कोचिंग खत्म हो जाए और लोग लूटे ना कोचिंग पढ़ पढ़ के। एक्चुअल में कोचिंग का फायदा कम और नुकसान ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर टीचर जो इन्वॉल्व होते हैं कोचिंगों में वो स्कूलों के टीचर होते हैं, वो स्कूल में कम ध्यान देते हैं, कोचिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और दिस इज द रीजन कि गवर्नमेंट उस बारे में चिंतित है। बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग मंडियां खुल गई, आप जानते हो, कोटा के अंदर है, दिल्ली मुखर्जी नगर, इलाहाबाद के अंदर, कानपुर में काकादेव, ऑल दीज, वहां पे हजारों लाखों बच्चे आते हैं और उनके अंदर कुछ ही का सिलेक्शन होता है, बाकी होता नहीं है, बस सिर्फ वो लूटने के लिए आते हैं, और उनकी एक्चुअल जो स्कूल स्टडी होती है वो भी उससे हार्म होती है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए एजुकेशन पॉलिसी बनी है, लेकिन इसके अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि एग्जाम बोर्ड के जो हैं वो खत्म हो गए, बोर्ड एग्जाम आगे से नहीं होंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन हमेशा रहेंगे, 10th का भी रहेगा, 12th के रहेगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाह रहा था, ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, आप जब 12th में होगे तब भी आपका बोर्ड एग्जाम होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, शाम को वीडियो देखना ना भूलिए, दोबारा से मैं आपके लिए नया वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।